आज से एक साल पहले दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था जिसपे मैंने बताया था कि 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाने से आपके यूट्यूब चैनल पर यूट्यूब के तरफ से क्या क्या फीचर्स इनेबल हो जाता है। जैसे कि उसमें से कुछ कॉमन फीचर्स थे, जैसे कि सुपर चैट इनेबल हो जाता है, आपका लाइव स्ट्रीमिंग इनेबल हो जाता है, आपका 1000 सब्सक्राइबर होने से आप मोनेटाइजेशन के लिए अपने चैनल को भेजने के लिए आपका क्राइटेरिया पूरा हो जाता है। उसी तरह से दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप 100 के अगर सब्सक्राइबर पूरा कर लेते हो अपने चैनल पर तो आपको यूट्यूब की तरफ से क्या क्या फीचर्स मिलता है। उनमें से कुछ बेहतरीन फीचर्स आपको 100 के होने के बाद ही मिलता है, तो इस वीडियो को आपको देखना होगा सारा कुछ डिटेल जानने के लिए, तो वीडियो के एंड तक देखते रहना और चैनल पर नए हो तो या सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए गाइस आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने के बाद क्या क्या मिलता है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो यहां पर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर के वो वीडियो को आप लोग देख सकते हो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं आज की इस वीडियो पे। तो सबसे पहले दोस्तों 100 के सब्सक्राइबर्स होने से पहले ही आपका कुछ और क्राइटेरिया है, जैसे कि 30 के सब्सक्राइबर्स अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपको एक चीज मिलता है, वो है चैनल मेंबरशिप। अब दोस्तों यहां पर मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा, कुछ कुछ फीचर्स ऐसे भी हैं जो किसी किसी यूट्यूबर्स को जो है कम सब्सक्राइबर्स में ही वो फीचर मिल जाता है, किसी को बहुत सब्सक्राइबर्स होने के बाद भी नहीं मिलता है, मतलब ऐसा भी होता है। अब यूट्यूब ने किसी पे अगर ज़्यादा दया बरसा दिया तो उसको जल्दी ही मिल जाता है, और किसी किसी को तो सारा क्राइटेरिया पूरा हो जाने के बाद, सब्सक्राइबर बेस पूरा हो जाने के बाद भी नहीं मिलता है। तो इसलिए ऐसा कोई गारंटी नहीं कि मिल ही जाएगा, लेकिन जो रूल है यूट्यूब की तरफ से जो रूल है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला रूल है कि अगर आपका 30 के सब्सक्राइबर्स होता है तो आपको मिलता है चैनल मेंबरशिप फीचर। चैनल मेंबरशिप फीचर क्या होता है गाइस? चैनल मेंबरशिप फीचर ये होता है कि आपको ज्वाइन बटन मिल जाएगा। अब अगर आपका ज्वाइन बटन आप अपने चैनल का इनेबल कर दोगे तो आपके चैनल को अगर जो भी ज्वाइन करेगा, मतलब वो आपका मेंबर बन जाएगा और वो आपको मंथली कुछ पैसे पे कर सकता है। ठीक है, मंथली वो 170 रुपीज़ दे सकता है आपको, 200 रुपीज़ दे सकता है, और उसको आपको उनको कुछ बेसिक फीचर्स मिलता है, कुछ एडवांस फीचर्स मिलता है। तो उस तरह से सबसे पहला तो है आपको चैनल मेंबरशिप मिल जाता है 30 के सब्सक्राइबर्स होने के बाद। अब चलते हैं सेकंड फीचर्स की, और वो है दोस्तों 100 के सब्सक्राइबर्स होने के बाद या फिर उससे पहले भी कई यूट्यूबर्स को मिल जाता है, वो है कॉपीराइट मैच टूल। कॉपीराइट मैच टूल क्या होता है कि मान लीजिए मेरे वीडियो को अगर किसी ने दूसरे चैनल पर अपलोड किया है तो आपको अगर पता नहीं है, लेकिन आपको कॉपीराइट मैच टूल के तहत आप जो है एक क्लिक में पता कर सकते हो कि आपके वीडियो को किस किस चैनल पर अपलोड किया गया है। उससे आपको पता चल जाएगा, आप चाहो तो उन चैनल्स के वीडियोस को टेक डाउन करवा सकते हो, उन्हें स्ट्राइक दे सकते हो, उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ये होता है कॉपीराइट मैच टूल। अब दोस्तों जो सबसे बड़ा फीचर मिलता है 100 के सब्सक्राइबर्स होने के बाद, जिसमें एक बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होता है, वो होता है आपका चैनल हो जाता है वेरीफाइड। टिक लग जाएगा, ठीक है, आपके चैनल के साइड में एक इस तरह का वेरीफाइड टिक आ जाएगा। आप अगर किसी के वीडियोस पे कमेंट करोगे तो आपका वो टिक नजर आएगा, तो ऐसे में क्या होगा कि आपका कमेंट हाईलाइटेड हो जाएगा और आप थोड़ा सा पॉपुलर हो जाते हो, उससे पहचान में आता है कि एक बड़ा क्रिएटर है। सारे कमेंट्स के बीच में आपका कमेंट हाईलाइटेड होगा क्योंकि वो टिक होगा, वेरीफाइड होगा। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे वेरीफाइड चैनल्स के टिक वाला। तो इस तरह से सबसे बड़ा फीचर, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा हैप्पी वाला फीलिंग होता है जब ये टिक मिलता है, वेरीफाइड होता है, तो वो 100 के सब्सक्राइबर्स होने के बाद ही मिलता है। अब दोस्तों 100 के सब्सक्राइबर्स होने के बाद एक और चीज़ मिलता है, वो मिलता है हमें अपना सिल्वर प्ले बटन, जो कि आप लोग देख सकते हो ये चमचमाता सिल्वर प्ले बटन आपको मिलेगा 100 के सब्सक्राइबर्स होने के बाद। तो आपको ये क्राइटेरिया पूरा करना पड़ता है, और इसकी जो खुशी होती है वो जब आपको हाथ में ये चीज़ आ जाएगा तब आपको समझ में आएगा कि इसका खुशी कितना होता है। क्योंकि दोस्तों ये अनमोल चीज़ है, ये रियल सिल्वर नहीं है, इसमें सिल्वर नहीं है, ठीक है, लेकिन ये सिल्वर का अगर मान लीजिए इतना सिल्वर होता है, उसका जितना कीमत होता है उससे ये कहीं ज़्यादा है, इसका कोई कीमत नहीं है, ये अनमोल चीज़ है। क्योंकि दोस्तों इसके लिए करना पड़ता है मेहनत, और ये सबको नहीं मिलता है, तो ये भी मिलता है आपको 100 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने के बाद। इसलिए थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ काम करो और कोशिश करो जैसे कि आपका 100 के सब्सक्राइबर्स जल्द पूरा हो जाए, ताकि आपको भी एक इस तरह का सिल्वर प्ले बटन मिल जाए, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट फीचर जो आपको मिलता है 100 के सब्सक्राइबर्स होने के बाद, तो दोस्तों वो है चैट सपोर्ट। 100 के सब्सक्राइबर्स होने के बाद कई यूट्यूबर्स को पहले भी मिल जाता है, मैंने ये शुरू में ही बता दिया, लेकिन बेसिकली 100 के सब्सक्राइबर्स होने के बाद आपको यूट्यूब की तरफ से चैट वाला सपोर्ट मिल जाता है। जैसे आप यूट्यूब से कॉन्टैक्ट करना है तो आपको ईमेल करना पड़ता है या फिर ट्विटर पर कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, लेकिन आपको चैट सपोर्ट मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप पर जैसे अपने दोस्त के साथ चैट कर सकते हो, उसी तरह से आप अपने चैनल के द्वारा किसी भी यूट्यूब के एम्प्लॉय से चैट में बात कर सकते हो। आप मैसेज करोगे वो रिप्लाई करेगा, आप मैसेज करोगे वो रिप्लाई करेगा, तो ये एक बहुत बड़ा फीचर है। आपके चैनल पे कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो आप डायरेक्ट यूट्यूब टीम से बात कर सकते हो। आपको अगर किसी दूसरे का हेल्प करना है तो आप अपने चैनल के तहत हेल्प कर सकते हो। जैसे मेरे 2-3 चैनल है, सब में चैट सपोर्ट दिया हुआ है, तो मैं करता हूँ। कई यूट्यूबर्स का जैसे चैनल हैक हो गया है, किसी का डिलीट हो गया है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने चैनल से ही यूट्यूब टीम से बात करके हेल्प कर देने की। तो ये भी चीज़ जो है एक बहुत बड़ा फीचर है जो कि मिलता है आपको 100 के सब्सक्राइबर्स होने के बाद। अब दोस्तों एक लास्ट फीचर जो मिलता है 100
100 के होने के बाद वो कई कम यूट्यूबर्स को मिलता है, मतलब सबको नहीं मिलता है, गिने चुने कुछ को मिल जाता है। वो है दोस्तों मैनेजर। आपके चैनल का एक मैनेजर मिल जाएगा। मतलब क्या होता है कि देखिए यूट्यूब पे जो है हमारा जितना चैनल्स है, हमारे चैनल्स को मैनेज करने वाला भी वहाँ पर कोई एम्प्लॉय है जो कई चैनल्स को देखता है। मान लीजिए मैं हूँ तो मैं 10 चैनल को संभाल रहा हूँ, मैं 10 चैनल पर नज़र रखा हूँ कि मैं क्या वीडियो वो लोग अपलोड कर रहा है, मैं उस पर नज़र रखा हूँ। तो उसी तरह से आपके चैनल को मैनेज करने वाला भी यूट्यूब के टीम में, यूट्यूब के कोई एक एम्प्लॉय होगा जो आपके चैनल को मैनेज करता होगा। जैसे मनोज दे चैनल को कोई ना कोई मैनेज करता होगा यूट्यूब के ऑफिस में, वो चीज़ मुझे नहीं पता। तो ये चीज़ 100 के सब्सक्राइबर्स होने के बाद कई यूट्यूबर्स को मिल जाता है उनका मैनेजर, कि उनका चैनल कौन मैनेज करता है। आपके मैनेजर का कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा या फिर ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, जिससे मैनेजर लोग आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपके चैनल को ग्रो करने के लिए। वो लोग आपको बहुत सारा टिप्स देते हैं, ट्रिक्स देते हैं। और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, अपने चैनल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप डायरेक्टली अपने मैनेजर से बात कर सकते हो। तो ये चीज़ भी 100 के होने के बाद मिल जाता है, लेकिन कुछ ही यूट्यूबर्स को मिलता है। यहाँ तक कि मेरा तो आज 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, लेकिन मुझे अभी तक मैनेजर नहीं मिला है। तो ये कोई गारंटी नहीं कि मिल ही जाता है, लेकिन कई यूट्यूबर्स को मिल जाता है। तो दोस्तों इतने सारे फीचर्स जो है आपको 100 के सब्सक्राइबर्स होने के बाद मिलता है। और ये चीज़ वीडियो बनाने का मकसद इतना है कि आपको मोटिवेट करना कि ये सब चीज़ अगर आपको चाहिए, ये सब फीचर्स अगर आपको चाहिए अपने चैनल पर, तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, 100 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, तो आपको इतने सारे फीचर्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई है, बहुत कुछ नॉलेज मिला है। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो या सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए गाइस आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।